नमस्कार, आज है 7 मार्च 2024 और दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं देश भर की फटाफट 50 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो का किया उद्घाटन। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का हुआ उद्घाटन। स्कूली बच्चों के संग किया सफर। दरअसल पीएम मोदी ने 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर लगातार है। उन्होंने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। वहीं उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसी दौरान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठकर सफर किया। मेट्रो के अंदर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत की है। दरअसल इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 15,400 करोड़ रुपयों की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन कोलकाता को दिया है। 5 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, एनआईए ने 7 राज्यों में 17 जगहों पर छापेमारी मारी। बेंगलुरु जिले के कैदियों से जुड़ा हुआ मामला। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 7 राज्यों की 17 जगहों पर छापेमारी की है। सेंट्रल जेल से यह जुड़ा हुआ मामला है। आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है। आतंकी एंगल सामने आने पर अक्टूबर 2023 में मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद एनआईए ने यह बड़ी छापेमारी की है। हथियारों और गोला बारूद की जब्ती के एक मामले की जांच करते हुए कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के परपाना अग्रहरा सेंट्रल जेल से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सोच समझ कर बयान दें। चुनाव आयोग की राहुल गांधी की सलाह की मामले में उठाए कदम। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि सोच समझ कर बयान देना। राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा कहकर तंज कसने के मामले में चुनाव आयोग ने अब यह संज्ञान लिया है। इसी ने पिछले साल दिसंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए राहुल गांधी से चुनाव प्रसार के दौरान स्टार प्रसारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए अपनी हालिया सलाह का सही ढंग से पालन करने के लिए कहा गया है। यह एडवाइजरी 1 मार्च को जारी कर दी गई थी, जिसमें इसी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रसारकों को केवल नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। अब काम नहीं किया तो नहीं मिलेगी सैलरी। क्या है नो वर्क नो पे का फॉरम? सरकारी कर्मचारियों को यूं तो किसी न किसी रूप में खुशखबरियां मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आई है, नो वर्क नो पे। इस वक्त की बड़ी खबर, जो बिना वैध और स्वीकृत कारणों के ऑफिस से गायब या अनुपस्थित रहते हैं, उन कर्मचारियों को अब सुधार करना होगा। प्रशासनिक सुधार विभाग के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि जो अधिकारी राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण अपने सामान्य पोस्टिंग के स्थान पर कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नो वर्क नो पे का नियम पेश किया गया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में आया नया अपडेट। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से लगाई गुहार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एक नहीं बल्कि कोर्ट से 2 रात मिली है। रिया चक्रवर्ती की पहली याचिका पर कोर्ट ने उसे परिवार के साथ थाईलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, आज बुमराह की वापसी। जायसवाल 1000 रन के करीब, पहले दिन बारिश की आज 82% आशंका। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में आज होगा 5वां टेस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज गुरुवार से खेला जा रहा है। ये मैच हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी के देने का दावा, एमएसपी कानून बनाने का दावा, जातिगत जनगणना और सत्सर कमेटी की सिफारिश लागू करने की दावा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्रों ने इस पर जानकारी दी है कि ब्लूप्रिंट की जानकारी प्रस्तावित घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खासा फोकस किया गया है।
युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस सरकार ने बड़ी भर्ती का दावा किया है, वो की 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र महिलाओं को 6,000 रुपए देने का दावा किया है। साथ ही पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का दावा, किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी दर्ज मिलेगा। इसके साथ ही सस्तर कमेटी लागू की जाएगी, महिलाओं को प्रति महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों के अंदर 33% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले परिवारवाद की सच्चाई बताई तो गोलियां देने लगी। गांधी, JP, कर्पूरी और अम्बेडकर ने भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया में सभा की। उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में लालू यादव का नाम लिए बिना परिवारवाद और जंगल राज पर उन्होंने जमकर घेरा है, इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, अखिलेश के घर में गरजे CM योगी। कहा पहले लोग इटावा सफाई के नाम से डरते थे, सरकारों ने नारियल फोड़े लेकिन बजट नहीं दिया। CM योगी आदित्यनाथ ने मुलायम अखिलेश के गढ़ सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने सैफई आरुयागन विश्वविद्यालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनोग्रेशन किया है। CM योगी ने मुलायम को याद किया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, अब अपने हिसाब से सुन सकेंगे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। RBI ने जारी किया संस्थाओं के लिए जारी की नई गाइडलाइन। अब क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क सुनने की सहूलियत मिलेगी। RBI ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करता बैंक और NBFC को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कार्ड रिन्यू कराते समय कार्ड नेटवर्क बदलने का ऑप्शन भी अब मिलेगा। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत 64,404 रुपए के साथ ही ऑल टाइम हाई पर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी से जुड़े दामों को लेकर है। दरअसल आज ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी पहुंच चुका है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 924 रुपए महंगा होकर 64,400 रुपए महंगा हो गया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान सीएम से राम मंदिर की वेबसाइट हैक करने की कोशिश हुई थी, दावा प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय एजेंसी ने 1244 IP एड्रेस ब्लॉक किए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले पाकिस्तान और चीन के हैकर्स भारतीय वेबसाइट को निशाना बना रहे थे और इसी के साथ ही राम मंदिर की वेबसाइट को वो निशाना बना रहे थे। प्रसार भारती और UP सरकार से जुड़ी कई वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, PM संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मिले। कहा चिंता नहीं करें, हम आपका ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार आरोपी TMC नेताओं को बसा रही है। PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारसत में संदेश खाली की पीड़िता आदिवासी महिलाओं से मिले हैं। BCP के नॉर्थ 24 परगना जिले में अध्यक्ष ने खास बातचीत में बताया कि संदेश खाली की 5 महिलाओं ने PM से मुलाकात की है। PM ने कहा है कि चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, राम मंदिर का मुख्य सीकर 303 दिन में होगा तैयार। 161 फुट ऊंचे सीकर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 1500 वर्कर लगे हुए हैं, पर कोठा भी बनाया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए मुख्य सीकर और एक अन्य सीकर को बनाने का काम तेजी से हो रहा है। इन दोनों सीकर को बनाने का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मानसून आने से पहले परकोटा बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक से पास हुए सौदा ट्रेनी SIU को लोगों ने पीटा। कोर्ट में पेश करने लेकर आई थी पुलिस, लेकिन इसी रास्ते में पीट दिया, 6 दिन की रिमांड पर भेजा। SIU पेपर लीक मामले, राजस्थान में गिरफ्तार हुए सौदा ट्रेनी SIU को SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कोर्ट में पेश किया है। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों को पीट दिया। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की CEC बैठक 7 मार्च को यानी आज होगी। MP की 28 सीटों पर तय होंगे लोकसभा उम्मीदवार, सीनियर लीडर्स को लड़ाने पर होगा फैसला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 मार्च को मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई है। इसके अगले 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल एडिशन कमेटी यानी CEC की बैठक में होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 नेता शामिल होंगे। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सम्मान निधि योजना को लेकर 17वीं किस्त पर आया नया अपडेट। अब ये शर्त पूरी करने पर ही मिलेंगे 2,000 रुपए। PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है, केंद्र सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त की राशि जिले के किसानों के खाते में भेज दी गई हो, लेकिन 18,831 किसान जिन्होंने EKYC नहीं करवाई है वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। माना जा रहा है कि ये सभी किसान विभागीय गाइडलाइन को पूरा करने में अनदेखी बरत रहे हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर,
सबसे अहम खबर, दिल्ली यूपी में छाए रहेंगे बादल। जानिए देश के राज्यों का मौसम का क्या है हाल। पश्चिमी हिमालय सेक्शन में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के साथ ही देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसके चलते देश के लगभग सभी राज्यों में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के वक्त ही लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली गाजियाबाद में छाए रहेंगे बादल। इधर नई दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम, इधर आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 7 मार्च को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान, भारत और अमेरिका ने की मांग। भारत और अमेरिका के बीच इस बारे में पहले से ही समझौते हुए हैं, जिसे और मजबूत करने की सहमति बनी है। दोनों देशों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद के नए रूप सामने आ रहे हैं, ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पर आतंकवादियों की तरफ से इंटरनेट या दूसरी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के खतरे को रोकने की रणनीति पर बात हुई है। वहीं देश की एक और अगली बड़ी खबर, 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन, देश भर में होगा ये आंदोलन, किसानों ने बताया आगे का प्लान। किसानों ने अपने दिल्ली स्लो मार्च के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किया है, साथ ही कहा है कि सीमाओं पर किसानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। किसानों ने अपना आंदोलन का आरंभ करते हुए देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं देश भर की अगली बड़ी खबर, स्कूल कॉलेज के छात्रों पर दिखा किसान आंदोलन का असर, स्टूडेंट्स ने किया जमकर हंगामा। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% मिलेगा ब्याज और लोन। पीयूष गोयल ने एक रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उनकी उपज के बदले लोन हासिल करने की सुविधा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसके मुताबिक खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उनकी उपज को लेकर यह ऐप लॉन्च किया है। किसान अब इस ऐप के जरिए अपने रेट देख सकेंगे और भाव से हिसाब से बेच सकेंगे। ये थी देश की आज की टॉप 8 25 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।